हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग हमारे पिछले व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन व्लॉग है, तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले। पिछले व्लॉग में हमने कवर किया था लोटे वर्ल्ड मॉल, लोटे वर्ल्ड टावर, स्टारफील्ड लाइब्रेरी और गंगनम स्टैचू, और अभी हम लोग टैक्सी पकड़ के जा रहे हैं सियोल टावर। सो एंजॉय द वीडियो। ट्रैफिक जाम था, उसके बाद हमें लगता है ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट और लगेंगे और हम बस पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं नामसान टावर के केबल कार के एंट्रेंस पे। यहाँ से हम लोग को जाना है अभी, क्योंकि टैक्सी हमको यहाँ पे छोड़ गई है। आई थिंक उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हमें जाना था नामसान टावर बट उनको लगा मैं केबल कार जाना था, तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। देखते हैं हम यहाँ पे केबल कार ही ट्राई करते हैं अगर खुला रहेगा तो। हमने ये दो टिकट्स ले लिए हैं विच कॉस्ट 30,000। ये राउंड ट्रिप टिकट है। अगर आपने टिकट परचेज कर लिया है तो आप डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पर जाके दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं केबल कार के लिए, वेटिंग टाइम है अभी। कैसा लग रहा है आपको? ठंडा। तो हम लोग आ गए हैं केबल कार में, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। वो नामसान टावर है और नीचे पूरा स्नोफॉल हुआ है, मस्त एकदम बहुत सुंदर दिख रहा है। आई थिंक कैमरा इतना सुंदर कैच नहीं कर पा रहा है। ये बेस्ट डिसीजन था केबल कार लेने वाला। अगर आप लोग भी आ रहे हैं नामसान टावर तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग केबल कार ज़रूर लें। केबल कार का क्लोजिंग टाइम क्या है वो मैं नीचे लिख दूंगी आपको पूछ के, कि वो जल्दी बंद हो जाता है। नामसान टावर 10 बजे रात तक खुला रहता है, बट आई थिंक इस टाइम आना बेस्ट है, 5, 5:30, 6 बजे के अराउंड, क्योंकि आपको सनसेट भी देखने मिलेगा, तो दिन का व्यू और रात का व्यू दोनों मिल जाएगा आपको। आज हम लोग पहुंच गए हैं नामसान टावर, यहाँ पे केबल कार का ये स्टेशन है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से उतर के देखते हैं कैसे जाना है नामसान टावर। बट ये राइड मस्त थी, आई थिंक 5 मिनट की थी हार्डली, बहुत भीड़ रहती है। तो वहाँ से हमने एग्जिट मारा, यहाँ से केबल कार से उतर के, ये केबल कार जा रही है और ये वैष्णो माता की चढ़ाई है। यहाँ से आप यहाँ से भी आ सकते हैं और ये जा रहा है ऊपर हमारा नामसान टावर के लिए। ये भी कम चढ़ाई नहीं है, इसमें भी जाना ही पड़ेगा। व्यू इतना ज़बरदस्त है ना यहाँ का, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में स्नो है ना, यहाँ पे हटाई नहीं है, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। तो हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, भाई कितना सुंदर है यार, स्नोफॉल के बाद चीज़ें कितनी सुंदर दिखने लग जाती है। और ये वो जो लोग हैं हिम्मती लोग जो पैदल भी आए हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंडी और बढ़ रही है। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं भी कोरियंस की तरह ग्लव्स और कैप नहीं लगाने वाली हूँ, देखते हैं कितनी देर तक टिकता है, क्योंकि मेरा हाथ जाम हो चुका है और मेरी जबान लड़खड़ा रही है ठंड से। और यहाँ पे रास्ते में ये कॉफ़ी क्लब और क्यूट क्यूट से शॉप्स है, तो आप नीचे से भी लॉक्स ले सकते हैं। हम लोगों ने यहीं से ही लॉक लगाना शुरू कर दिया है आई थिंक। ये लॉक्स और ये मेन है जगह लॉक लगाने की, बट ऊपर जगह बची नहीं है तो लोगों ने रास्ते में से ही चालू कर दिया लगाना। प्यार ही, प्यार का असर। सो वी हैव टेकन दिस लॉक, इट इज़ फॉर 10,000 वॉन। तो हमने भी ले लिया एक ताला, मतलब हमने सोचा कि चलो हम भी कर ही लेते हैं,
क्लीशे चीज है। ये है ताली, ताली है ताली। फीडबैक भी होना चाहिए, जितनों ने यहाँ लिखा है उनमें से कितने हैं अभी तक साथ में, है ना। बड़ी क्यूट लग रही है जगह, मैं कलरफुल हो गई है तालों की वजह से। नाइस। इस बेचारे का अपने प्यार के ऊपर से भरोसा पहले दिन ही उड़ गया, लॉक निकाल के फेंक गया है भाई। हाँ इतना क्या हो गया। ये कितना क्यूट है, बीच में छोटू सा स्नोफॉल। 1, 2 and 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ से पूरा देख लिए हैं, ताला लगा दिया है यहाँ पे। 10,000 won का लॉक था और मार्कर भी आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्कर लेके कोई आता नहीं, और वो ताले ऐसे कि मतलब नॉर्मल पेन से आप लिख नहीं सकते हो। तो 1,000 won का मार्कर था। 10,000 won मतलब 1,000 rupees अप्रॉक्सीमेट, और 1,000 won मतलब 60 rupees के आसपास आपका मार्कर रहेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है इस टाइम पर, मैंने अभी तक कैप नहीं लगाई है और ना ग्लव्स पहने हैं। कैप पहन लिया है मैंने, ग्लव्स भी पहन लिया है, क्योंकि अभी मैं गिरी हूँ बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे सीढ़ियों पे, वीडियो बना रही थी इसका। और इस एंगल में जाओ उस एंगल में जाओ के चक्कर में सीढ़ी पे चलते चलते भद, और मेरा फ़ोन गिरा है जाके 1 meter दूर। बट कवर अच्छा था, बच गया। बाकी हमने ली है अभी कैफ़े मोका और कैफ़े लाटे, क्योंकि भयानक ठंड है यहाँ से। बहुत ही अच्छी है वो, जब मैं गिरी तो उसने मेरे को चेयर वेयर ला के दी बैठने के लिए, तो फिर हमने ऑर्डर कर दिया वहीं से। ये हमारा सियोल टावर है, यहीं से हम सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे इधर से ही, और यहाँ हम बैठे हुए हैं। 5,000 won ईच मतलब 10,000 के दो कॉफ़ीज़ हैं, मतलब 10,000 बोले तो 600 rupees। व्यू देखिए यहाँ से, हम मस्त लग रहा है। तो हम लोग सियोल टावर से आ रहे हैं, केबल कार से वापस जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही मस्त व्यू, हम लोग आए थे हल्की सी डे लाइट में और अभी जा रहे हैं नाइट व्यू में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बहुत ठंडी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी है। हम लोग बाहर आ गए हैं केबल कार से, राउंड वे ट्रिप था तो हम दोनों लोग आ गए हैं अभी। ये मेन टावर है और रात हो चुकी है, बहुत ठंडी है, मतलब भयानक वाली ठंडी है, ऐसा मुँह से धुआं निकल रहा है, मज़ा आ रहा है। और अगर आपको यहाँ से सबवे स्टेशन पकड़ना है तो निकलते ही बिल्कुल सामने ये जो लिखा हुआ है सबवे स्टेशन के लिए रास्ता जा रहा है, म्योंगडोंग सबवे स्टेशन के लिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ से। और नहीं तो टैक्सी भी आती है यहाँ पे ऊपर तक, यहाँ तक टैक्सी आपको छोड़ के जाती है। बाकी आप पैदल भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग पैदल भी आते हैं, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, आप पैदल भी आ सकते हैं, टैक्सी करके आ सकते हैं, सबवे से आ सकते हैं। हम लोग जहाँ पे थे लोटे वर्ल्ड में, वहाँ से सबवे का बहुत ज़्यादा जाल था, मतलब 2-3 बार चेंज करके फिर आना पड़ता, तो इसलिए हमने टैक्सी प्रेफर करी, जो कि एक्सपेंसिव है। हमें पड़ा था ऑलमोस्ट 20,000-21,000 won, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1,200-1,300 rupees के हिसाब से, जो कि एक्सपेंसिव है, बट आप कुछ कर नहीं सकते। सोल में टैक्सी इज़ एक्सपेंसिव, तो आप प्रेफर करो कि आप सबवे से ही ट्रैवल करो, क्योंकि सोल में टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। बुसान में इतनी नहीं है बट सोल में है। तो अभी और अभी हम लोग देख रहे थे ऊबर पे, तो अभी यहाँ से हमारे होटल के लिए दिखा रही है वेन्यू जी होटल के लिए दिखा रहा है वो 8,000-9,000 won के, तो मतलब 400-450 won के रेंज में, मतलब 400-500 की रेंज में। और इनका बेसिक फेयर जो स्टार्ट होता है ना वो 4,800 won से होता है,
तो 1401 मतलब 300 रुपये के आसपास ही स्टार्ट होता है। जैसे अपने टैक्सी का कोई बेसिक फेयर होता है ना, वहीं से स्टार्ट होता है, चाहे कितनी भी दूर जाए वो तो उतना तो लगेगा ही, तो 300 रुपये के आसपास के हिसाब से स्टार्ट होता है। तो टैक्सी तो महंगी है यहाँ पर, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या बुक करते हैं, अगर कैब मिलती है तो कैब, नहीं तो सबवे का देखते हैं। अगर सबवे में हमें कोई बताने वाला रहेगा, देखते हैं किसी से पूछ के, अगर वो इजी रहेगा तो हो सकता है सबवे से भी जाएं और हो सकता है टैक्सी से भी जाएं। मैं बताती हूँ आपको क्या करते हैं फिर हम लोग। और रात को ये ऐसा दिखता है नामसान टावर, और केबल कार का टाइमिंग भी 10 बजे तक ही है ऑब्वियसली, क्योंकि राउंड ट्रिप आप ले रहे हो तो फिर, और वो केबल कार जा रही है। और ये टिकट ऑफिस जाने का रास्ता है, मतलब इन्होंने इसलिए बनाया है कि अगर स्नोफॉल वगैरह हो रहा हो तो आप आराम से इसमें अंदर जा सकते हैं। बाय बाय। और वहाँ पे आपका ये टिकट ऑफिस है, कैब आपको एग्जैक्टली यहाँ पे छोड़ेगी, यहाँ पे इसी रास्ते पे, यहाँ पे सब कैब्स वगैरह खड़ी है ना, यहीं पे आके छोड़ती है आपको कैब। मैं आपको बोलूँ कि आप लोग ना कैब से आइए, कैब से ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि डायरेक्ट ना टावर के सामने ही छोड़ती है। बाकी आप चल के आएंगे तो चल के बहुत दूर है, और सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं, ये डायरेक्ट रोड है। और ना ये जो पूरा जगह है ना, अभी रात हो गई, ये दिख रहा है आपको पूरा स्नो गिरा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक कैमरा ना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हम लोगों ने टैक्सी ही बुला ली, क्योंकि सबवे से पता नहीं था रास्ता, और यहाँ पर लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने टैक्सी बुला ली है। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। We came from India. We thought snow will fall. 우리는 인도에서 왔고 눈이 내릴 거라고 생각했어요. Sorry. 여기 앞에 아빠가 말 करनी है किसी से तो आप Google Translate जरूर लीजिए, कोई भी translate वाला जो app रहता है वो भी मैं link कर दूंगी, क्या-क्या translate के app आपको चाहिए। लोग help करना चाहते हैं, बस वही है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा रहता है तकलीफ, बट लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प ज़रूर करते हैं आपको, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, उनको समझ में नहीं आता है ना, फिर भी वो चाहते हैं कि आपकी हेल्प करें, और नहीं कर पाते तो सॉरी भी बोलते हैं, बट अच्छा है, नाइस पीपल। तो थोड़ा सा ना एक फ़नी सीन हुआ था, क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही केबल कार पर गए ना, तो वहाँ पर हमें स्टोरेज लॉकर दिखा, तो मुझे लगा कि मेरा ये हैंडबैग शायद से अलाउड नहीं होगा केबल कार पे, तो हमको उनसे पूछना था कि मैंडेटरी है क्या स्टोरेज लॉकर लेना है ऐसा कुछ। तो हमने कोशिश करी एक एक वर्ड करके समझाने की, उनको नहीं समझ में आया, तो मेरे को लगा कि मैं गूगल ट्रांसलेट कर लेती, क्योंकि हम लोग वही करके सबसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कोरियन की जगह कन्नड़ा चूज़ कर लिया, फट जल्दी जल्दी में के लिख के, और फटक से जो लैंग्वेज आए उसी को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मतलब कोरियन ही था, कि कोरियन में इतने से सर्च कर रहे थे, तो फिर मेरे को लगा कोरियन ही सिलेक्ट हुआ होगा। हमने कन्नड़ सर्च कर दिया और मैंने उसको टाइप किया, और टाइप करके एंटर दबा के उसकी तरफ घुमा दिया, और वो बंदा कन्नड़ पढ़ रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो इतना परेशान हो गया कि कौन सी लैंग्वेज लिखी है, वो अपना काउंटर छोड़ के बाहर आ गया, बोलता आई डोंट अंडरस्टैंड। वो ऐसे कंफ्यूज देखा, मेरे को लगा पता नहीं क्या, मैंने स्क्रीन अपनी तरफ घुमाई, देखा कि मुझको कन्नड़ पढ़ रहा है। मैंने उसको सॉरी बोला, फिर कोरियन में लिखा, फिर उसने बोला कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, अपना बैग लेके जा सकते हो, ये उन लोगों के लिए जिनको रखना है, मैंडेटरी नहीं है स्टोरेज लॉकर लेना है ऐसा कुछ भी। मैं लगा ओके फाइन। तो हम लोग आ गए हैं अपने होटल वापस, हम लोग कुछ रेडी टू ड्रिंक वाले सूप लेके आए थे, तो और ये खाखरा तो खाखरा और सूप चल रहा है अभी, क्योंकि एकदम तो ठंडी में ना एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है, काफ़ी एनर्जी लग गई, और मेरे को पैर में थोड़ी सी लग भी गई है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया है। तो बस अभी हम लोग सूप पी रहे हैं, आज का दिन अच्छा गया, बहुत सारा सर्वे में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे नए नए लोगों से बात करी, कोरियन को कन्नड़ पढ़ा दी बहुत ही एडवेंचरस सा दिन रहा है, और हेल्पफुल तो है यहाँ के लोग, काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब हम लोग जब अपने यहाँ से अपने होटल से हम लोग गए थे लॉटे टावर, तो हमें एक बूढ़े से अंकल मिल गए थे, उनको थोड़ी बहुत मतलब टूटी फूटी येस नो ओके डाउन अप बस इतना ही आता था,
बट उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब हेल्प कर रहे थे हमारी कि वो ना मेट्रो में भी अपनी सीट से उठ उठ के आके हमको बता रहे थे कि अब नेक्स्ट स्टेशन ये आएगा, इसके बाद दूसरा स्टेशन ये है, ऐसा है वैसा है. और जो हमारा स्टेशन था जहाँ हमें उतरना था, वो फिर अपनी सीट छोड़ के उठ के आए, हम दोनों को बोले कि अब आप लोग जाइए, क्योंकि हम दोनों काफ़ी दूर बैठे थे उनसे. वो बार बार उठ के मतलब चलती मेट्रो में 3-4 बार उठ के हमको बताने आए, मतलब इतने हेल्पफुल है. और जैसे लोग बोलते हैं कि यंग पीपल नो इंग्लिश, मैं बोलूँगी कि हाँ मतलब उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझता है. तो अगर आपको कुछ पूछना रहेगा ना तो यंग लोगों से ही पूछिए. ओल्ड पीपल को आती है मतलब, लेकिन वो ना मतलब उन लोगों को कोरियन तो आती है, मतलब इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है. शायद ही कहीं ऐसा हो कि हम लोग को मतलब किसी ओल्ड पर्सन ने ऐसा कि उसको इंग्लिश आती हो. नए लोग क्या होते हैं ना, अभी बाहर बाहर बहुत सारे बच्चे जाते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज में और ऐसा वैसा, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत आती है तो वो समझा देते हैं. बट बूढ़े लोगों को थोड़ी कम आती है, बट वो लोग हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं. और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि वो लोग हेल्प नहीं कर पाते, इनफैक्ट हेल्प करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी हेल्प नहीं करी है, तो उसके बाद भी सॉरी बोल देते हैं कि मतलब सॉरी हम पूरी हेल्प नहीं कर पाए. मतलब उनका ऐसा रहता है कि आपको जहाँ आपने बोला है वहाँ तक छोड़ के नहीं आ पा रहे हैं तो सॉरी मतलब इतना ज़्यादा रहता है. बट अच्छा है, जो भी मैं आने से पहले हम लोगों ने सुना था ना कि अभी मतलब कोरिया में थोड़ा सा चल रहा है इंडियंस के लिए ऐसा रेसिज्म और ये सब चीज़ें, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा. मतलब लोग इतने लविंग हैं, आप किसी से भी बात कर लीजिए, मतलब किसी भी एज ग्रुप के, सब ऐसे स्माइल करके और इतने अच्छे से बात करते हैं. वो क्या सीन है वो रेसिज्म वाला मुझे नहीं पता, बट फिलहाल ऐसा तो हमें तो नहीं फील हुआ. आज हमारा पहला ही दिन है, बट हमें तो नहीं फील हुआ. मतलब हमने इतने सारे लोगों से बात करी, जापानीज़ बहुत मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जापानीज़ टूरिस्ट, और उनको भी फुल आइडिया रहता है कहाँ पे क्या जाता है, कहाँ पे कौन सी सब्वे जाती है, सब रहता है. सब इतने हेल्पफुल है. मतलब कल हम लोग नीचे खड़े हुए थे अपने होटल के पीछे की साइड पे, तो हमें दो जापानीज़ लोग मिले, तो वो हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि लोटे वर्ल्ड के लिए कैसे जाना है. तो उस बेचारे को नहीं पता होगा, तो उसने किसी को वीडियो कॉल किया, शायद उसकी बंदी होगी या जो भी होगा, उसको वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे उससे पूछा, फिर उसने बताया, फिर उसने ट्रांसलेट करके हमको बताया जापानीज़ से कोरियन में कि ऐसा ऐसा ये वो. और एक बात वाईफाई का, मैंने जितने भी ब्लॉगर्स देखे थे सबने बोला था कि यहाँ पे वाईफाई लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये सोच के मैंने भी अपने फ़ोन में रिचार्ज नहीं करवाया, मतलब रोमिंग नहीं करवाई. और यहाँ पे वाईफाई है, हर जगह है, बट अगर आप चल रहे हो ना, आप कैब से जा रहे हो या सबवे से जा रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो ना ऐसा हो रहा है कि मतलब हर 100 या 150 मीटर पे वाईफाई चेंज हो जा रहा है. मतलब कहीं कोई वाईफाई, जैसे आप मान लीजिए नामसन टावर में है, तो वहाँ पे नामसन टावर का वाईफाई पकड़ेगा, उसके बाद जैसे ही नामसन टावर से आप बाहर निकलोगे वहाँ कोई और वाईफाई पकड़ेगा. इतने सारे वाईफाई हैं, उनको कनेक्ट करो, और आधे वाईफाई में कनेक्ट करने के बाद कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, जो कि मैं नहीं करती क्योंकि अभी मेरा मेन फ़ोन है तो मैं डाउनलोड नहीं करती ऐप, बट उसमें कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, फिर वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं, पता नहीं. मतलब मेरे को फ्री वाईफाई का इतना ज़्यादा तो नहीं लगा, जैसे मैंने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स का सुना था कि आपको इंटरनेट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, आप घूमते रहो फ्री वाईफाई. आप पैदल चल रहे हो पूरा कोरिया में तो शायद हो सकता है आपका चल जाता हो, फ्री वाईफाई है, बट अगर आप कैब से या सबवे से ट्रैवल कर रहे हो टू एंड फोर्थ, तो बहुत टफ है उसको. मतलब हर 5 मिनट के बाद उसको चेंज करना, दूसरे वाईफाई में कनेक्ट करना, आपका पूरा बैटरी तो उसी में चला जाता है क्योंकि आपका फ़ोन वाईफाई ढूंढता रह जाता है. तो उसके चक्कर में मतलब आज मेरे को लिटरली 2 बार पावर बैंक से चार्ज करना पड़ा फ़ोन अपना. तो वाईफाई का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एटलीस्ट एक फ़ोन में तो इंटरनेट लेके आइए इंडिया से, क्योंकि हमने एक फ़ोन में लाया था थैंकफुली, और हमारे होटल में फ्री वाईफाई है जो हमेशा हर जगह ही रहता है, तो ठीक है चल जाता है. बट बाकी ऐसे पब्लिक वाईफाई में वो बहुत जल्दी डिसकनेक्ट होता है, फिर दूसरा आपको कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हो ना तब खुद कनेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा है. बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. रात में मतलब सारे होटल या जितने भी रेस्टोरेंट या जो भी लोग होते हैं वो इस टाइप के बैग्स में भर के जितना भी गार्बेज होता है वो रख देते हैं, फिर रात में गाड़ी आके उसको लेके जाती है. और अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, यहाँ से एक ब्रिज है छोटू सा, वहाँ पे उसको क्रॉस करके. ये पूरे रोड पे ना इस टाइप के कुछ तो भी टाइल्स लगे हुए हैं, इन पे आई थिंक नाम लिखे हैं या कुछ तो भी स्टोरी लिखी है. ये शुरू से लेके एंड तक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं और आगे जहाँ तक दिख रहा है, आई थिंक काफ़ी दूर तक ये लगा हुआ है. सिंगल सिंगल टाइल पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, कोरियन में लिखा है ऑब्वियसली, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है. और हम लोग आ गए इस ब्रिज पे, और ये है वो स्ट्रीम, और ये मस्त से वुडन के पिलर टाइप का ये पूरा बना हुआ है, पिलर जैसा, और ये पूरा ये वुडन का ही बना हुआ है, जिस पे खड़े हैं वो भी वुड का ही है, पूरा वुडन ब्रिज ही बना है. और ये मस्त स्ट्रीम है, साइड में लोग आते जाते रहते हैं, जॉगिंग करते रहते हैं, उधर भी लोग जा रहे हैं, और वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है.
और मेन्यू जी में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज पेड, इवन द डेंटल किट भी ना पेड ही है। थैंकफुली हम लोग ब्रश वगैरह लेके आए थे, क्योंकि हम लोग ना ऐसे ही देखने गए थे 7-Eleven में, तो छोटू सा ब्रश और एक छोटू सा पेस्ट, उसका प्राइस था 9,900 won, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो आपकी 600 रुपये के आसपास, 500-550 रुपये के आसपास। तो एक छोटा सा ब्रश और पेस्ट का प्राइस इतना है। लाइन से यहाँ पे ना सब होटल्स ही होटल्स हैं, इधर एक 4 पॉइंट्स बाई शेरेटन भी है, आइबिस तो है ही, और हमारा भी है वेन्यू जी भी अच्छा है। तो हम लोग अभी होटल के अपने पीछे बैक डोर पे आए थे ऐसे ही देखने के लिए कि इधर क्या है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे होटल्स हैं लाइन से, जैसे ये होटल नफोर है और वो है होटल द पोस्ट, ये IMT होटल है, आई थिंक दिख नहीं रहा है, हाँ IMT होटल है, और ये भी कोई होटल है। और यहाँ पे ना मतलब लाइन से सारे होटल्स ही हैं, जितनी बिल्डिंग्स दिख रही है ना वो सारे होटल्स ही हैं, मतलब इधर भी एक होटल है, ये होटल नफोर का ये मेन गेट है शायद से, ये पूरा दिख रहा है बिल्डिंग, और अच्छे अच्छे होटल्स हैं। आई थिंक हमारा ही होटल 12-13 फ्लोर का तो नहीं, ज़्यादा का ही होगा। और ये इसके सामने की लोकेलिटी है, मैंने दूसरी साइड का दिखाया, इस साइड का ये है, इधर भी सब बड़े बड़े होटल्स ही हैं, कोरियन में नाम लिखे हुए हैं सबके, और बाकी इधर तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग थक गए और कल मिलते हैं, कल सुबह मैं व्लॉग करते हैं। कल हमारा यहाँ से चेकआउट है वेन्यू जी से, क्योंकि हमें आज की बुक मिली नहीं थी जैसे मैंने बताया, तो कल हम लोग आईबिस में चेक इन करने वाले हैं। तो फिर कल हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आईबिस जाने वाले हैं, फिर उसके बाद आगे का प्लान कंटिन्यू करेंगे। तो कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।